Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host, Tariq Khan Javed. Now we'll discuss agriculture issues. नाज़रीन, आज का मौजू है फर्टिलाइज़र सेक्टर ए मच नीडेड बूस्ट, और इस पर बात करने के लिए हमने बहुत बड़े एक्सपर्ट को बुलाया है, अभी उनसे मिलाते हैं आपको। ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ी, इससे हमने देखा कि फर्टिलाइज़र की हमारी जितनी शेयर्स कंपनियां हैं उनमें काफ़ी तेज़ी आई है पिछले दिनों। इस गिरती हुई मार्केट में फर्टिलाइज़र ने काफ़ी सपोर्ट दिया पिछले एक दो हफ्ते, और इसकी एक वजह यह भी है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सडनली हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुई है डिमांड में फर्टिलाइज़र की। और ये बताया जा रहा है कि जो अगस्त तक की जो सेल आई वो है 948,000 टन्स, अप 65% ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर टू, अच्छा ये अगस्त की सी बात हो रही है, अगस्त 2016। और दूसरी ये बताया जा रहा है कि इंक्रीज इज़ ऑल्सो 180% इम्प्रूवमेंट ऑन मंथ बेसिस। इसी तरह कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड जो यूरिया है उसके भी इजाफा हुआ है बहुत, 65,000 टन इम्पोर्टेड यूरिया आया कंपेयर टू 46,000 इन जुलाई 16 में। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त खबर। महफूज उसरानी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी सिंध आबादगार बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब सडनली फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ने की क्या वजह है दुनिया भर में, और हमारे यहाँ इतनी सेल बढ़ने की क्या वजह है? देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, और ये भी एक फ्लक्चुएशन में, जैसे आप देखते हैं जब ग्राफ में कोई चीज़ ऊपर जाती है उसके बाद उसकी जो है वो हुआ ये था कि फर्टिलाइज़र एक्चुअली जो था वो गिरा हुआ था, और फिर क्योंकि उसकी डिमांड जो थी वो उसने जब राइज किया तो उसके ग्राफ के साथ जो उसने जो अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि क्योंकि रेट बहुत कम थे जी, शायद ये वजह भी हुई तो कि लोगों ने ज़्यादा कंपनी जो थी वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, मतलब उस लेवल पे नहीं कर रही थी जो डिमांड थी। उसके बाद जो जैसे फ़ौरन डिमांड जनरेट हुई तो वो उसकी स्टॉक्स जो थे वो उसको मीट नहीं कर पाए, तो वो फिर शॉर्ट हो गई सप्लाई। तो शॉर्ट सप्लाई की वजह से मैं समझता हूँ कि एक जो है उसमें पीक आई है, नहीं तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान में कोई 6 मिलियन टन की जो रिक्वायरमेंट है यूरिया की पर ईयर, और 6 मिलियन टन पे आप ये देखें कि हमें जो फिगर्स जो आते हैं 90,000 के हैं या 80,000 पर मंथ के हैं, तो वो ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन नज़र आती है, मगर ये इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि अगर हम कहें कि रिफ्लेक्ट करती है कि एग्रीकल्चर बेहतर हो गई, क्रॉप ये आ रही है, कह रहे हैं तो कि बहुत अच्छी खरीफ की फसल आई। हाँ, ये असल में बहुत सारी चीज़ों को आप साथ मिला के और उसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन बारिशें अच्छी हुई इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें? देखें, बारिशें बिल्कुल अच्छी हुई उससे हमें फ़ायदा भी हुआ, अब तो थरपारकर से कहते हैं ग्रीन हो गया बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप देखें उसमें आपके अभी हालिया जो जिन चीज़ों को नुकसान हुआ, मिसाल तौर पर टमाटर की उस वक्त फसल जो थी वो नर्सरी की उस सूरत हाल में थी, और इस तरीके से प्याज जो था वो तकरीबन 1 महीने उसकी काश्त हुई थी, 1.5 महीने क्योंकि जुलाई जून से उसकी काश्त शुरू हुई थी सिंध में ख़ास तौर पे, तो वो स्लो हो गई, वो ख़राब हो गई, उसको दोबारा काश्त करना पड़ा। और उसके बाद ये जो महीना था जिसमें वैसे ही एक स्लॉट आता है जिसमें आपकी बलूचिस्तान का जो है वो प्याज या जो अफगानिस्तान से आ रहा होता है वो कम होना शुरू होता है, सिंध का प्याज जो है वो प्रोडक्शन में आ जाता है। ये सितंबर में, ये अगस्त से लेके जुलाई अगस्त से लेके अक्टूबर तक। अब हुआ क्या कि वो सिंध का प्याज अभी तक नहीं आ सका, आज बिकॉज ऑफ दिस रेन। अब हम सितंबर रीसोइंग करनी पड़ेगी, अब हम अक्टूबर तक इंतजार करेंगे कि प्याज आए, तब तक आपको प्याज ये 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो, 200 की बात हो रही है। देखें वो तो हम मंडी की बात करते हैं, आपके पास यकीनन इतना होगा, लेकिन टमाटर की भी सूरत हाल ऐसी है, आप देखें कि उसकी भी वजह ये है कि बीच में जो ये 1 महीने का जो गैप था या 40 दिन का जो गैप था वो कोई भी सप्लाई पूरी नहीं, और इत्तेफाक से यही रेन जो थी, क्योंकि रेन के भी पैटर्न होते हैं, अगर एकदम ज़्यादा पड़ती है रेन तो वो एकदम नुकसानदेह होती है, ये इंडिया में हुआ, बहुत ज़्यादा पड़ी है, ऐसी ऐसी पड़ी है कि ठीक है हम चैनल नहीं आ पा रहे। अच्छा, अब इंडिया में वो इंडिया में भी मज़े की बात ये है कि इस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि हमारा प्याज या टमाटर जो है अगर शॉर्ट हो जाता है तो फिर इंडिया से वो आ जाता है वाघा के थ्रू, मगर इंडिया में भी प्याज और टमाटर, उनका जो हमारे करीबी बेल्ट है उन पर भी ऐसी बारिश, उन पर भी ऐसी बारिश, राजस्थान को तो उसने तो अब ये है कि लामोहल्ला लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई स्टॉक कर लिया गया है, लोगों ने जो है वो गोदाम भर लिए हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है।
हमें ये नेचर का इम्पैक्ट है, ये नेचर का इम्पैक्ट है माशाल्लाह बारिशें ओवरऑल। तो देखिए ना, गुजरात के लिए या राजस्थान के लिए या हमारे थरपारकर के लिए तो नेमत ही है ना बारिश, सिंध के लिए भी नेमत है ओवरऑल, चोलिस्तान के लिए बहुत बड़ा नेमत है, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ गए, जैसे कि ये दो आइटम, ये नाजुक फल फसल। देखिए खेती बाड़ी जो है वो आपकी कोई शहरी इलाकों के तरीके से तो नहीं होती है, एक एक यानी एक बड़ा सा इलाका होता है जिसमें कच्चे पगडंडियाँ होती हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, बारिश हो गई वो रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप वहाँ गाड़ी भी नहीं ले जा सकते, आप वहाँ ट्रैक्टर में भी नहीं जा सकते, तो आप खाद भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, आप वहाँ से कोई चीज़ उठा भी नहीं सकते, कोई चीज़ ले भी नहीं जा सकते। सुना कि इवन थरपारकर जलथल हो गया था और रास्ते सारे बंद हो गए। बिल्कुल, तो रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो ये जो ऑफटेक आप यूरिया का बता रहे हैं तो ये बारिशों की वजह से कम हुआ, और फिर उसने जो क्योंकि वो ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी करने के लिए हमने फिर सितंबर में या अगस्त के एंड में जो है वो वही डोज क्यों हमें देना था तो हमने दिया, तो आपने देखा गया अगस्त में एकदम से बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई। तो ये हुआ कि हमने देखा कि भाई पिछले साल से इस साल अगस्त में हमने ज़्यादा यूरिया का, इसकी ज़रूरत, इसकी वजह ये हुई कि जून जुलाई में बारिश होती रही जी, और अगस्त में थोड़ी सी रिस्पाइट आई तो लोगों ने लगाना शुरू किया, और क्योंकि जून में नहीं होती थी बारिश, लेकिन जून में इत्तेफाक से बारिश हुई, तो क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ, अब वो एक अलग इशू है कि वो क्यों पैटर्न चेंज, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो वो अब मैं समझता हूँ उसमें तो अब नई मूवी भी आ रही है, अगर आप देखें कल ही में उसका प्रीमियर, वो कोई के इन्होंने कोई सैटेलाइट भेजा था जिसके थ्रू वो सारे मौसमों को कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, और वो सैटेलाइट जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो उसके बाद उसने दुनिया के साथ क्या, तो ये हो सकता अच्छा। है कि ये भी चीज़ चल रही हो कि दुनिया के मौसमों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और हो सकता है उस पर असरअंदाज हो रही हो चीज़ें। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि जिसके बेस पे हम ये कहें कि जी इस वक्त जो हमारी क्या सूरत हाल है, और उसके बाद जो है सर एक बात ये है कि ये तो हमारी डोमेस्टिक बात हो गई, लेकिन हालांकि हमें ये बात पता है कि ठीक है अभी फ़िलहाल थोड़ी सी तेल की कीमत बढ़ी है, थोड़ी सी गैस की कीमत भी बढ़ी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रोपोर्शन में फर्टिलाइज़र की कीमत इंटरनेशनली बढ़ी है। हम अपना इंडिया पाकिस्तान का मामला छोड़ दें, तो इसकी कोई वजह कोई आज तक एनालिस्ट जो इस फील्ड के बता नहीं पाए कि पूरी दुनिया में क्यों बढ़ गई। देखिए एक तो सूरत हाल ये भी है क्योंकि फर्टिलाइज़र हर जगह पर जो है वो प्रोड्यूस होता है सब्सिडाइज्ड। अच्छा, और उसकी जो यहाँ भी तो सब्सिडी है ना, यहाँ पे भी सब्सिडी है, मगर मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इंडिया ने और दूसरे मुल्कों ने इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट किया है कि यही फर्टिलाइज़र जो है एज ए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल काम आता है। इसी फर्टिलाइज़र में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आपके जो है वो मीथेन के ये असल में उससे मैन्युफैक्चर होता है, आपकी नेचुरल गैस से मैन्युफैक्चर बेसिकली नेचुरल गैस जिसको हम सुई गैस कहते हैं, ये सुई गैस से बनता है, उससे बनता है, ये उससे बनता है। अच्छा, गैस की फरावानी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हो गई है, गैस की फरावानी $18 से घट के अगर नेचुरल गैस की बात की जाए अमेरिकन वो आ गया है $3 पे, और उसी बुनियाद पर एलएनजी जो अब अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ $4 पे कर रहा है, $4.5 पे। लेकिन बात यह कि जिस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं इसी तरीके से रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। मिसाल तौर पे आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं या जो पॉलीप्रोपिलीन्स या पीवीसी या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इन्हीं जो है वो हाइड्रोकार्बन से बनती हैं। तो अब बजाय अगर कहीं पे जो है वो गैस, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए प्लांट्स आ रहे हैं, इसी यूरिया को कई चीज़ों में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, गैस से यूरिया इनका क्योंकि सब्सिडाइज बन रहा है। हाँ, तो वो सस्ता पड़ता है और वो रॉ मटेरियल किसी उसी और से कपड़ा भी बन सकता है। आपका कहने का मतलब ये जी, तो इससे और कोई प्रोडक्ट बन, इसकी डिमांड और तरफ भी है। अब ये देखें कि इसको कम करने के लिए इंडिया में इस पर काम हुआ और इन्होंने उस यूरिया के ग्रेनुअल्स को जो है वो कोट करना शुरू कर दिया किसी और सब्सटेंस से कोट करना, मिसाल तौर पर नीम की जो ऑयल है उससे उन्होंने उसको कोट करना शुरू कर दिया, ताकि वो जो नीम का ऑयल है वो न सिर्फ ये था कि वो जब वो ज़मीन में जाता है तो वो ज़रात के लिए बेहतर है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें एंटी बैक्टीरिया है, वो आपके जो है पेस्ट जो है उसको करता है, भगाता है उनको, तो एक तरीके से पेस्ट कंट्रोल भी होना शुरू हो गया वहाँ पे, शुरू हो चुका है। और वो क्योंकि उसके अंदर वो कोई और चीज़, क्योंकि नीम डाल देते तो वो उनके काम नहीं आता। हाँ, जो प्लांट है हाँ, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो क्योंकि सब्सिडाइज जा रहा है तो अब वो फैक्ट्रीज में किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखें तो फिर हमें पता चलेगा कि इस ये किस चीज़ का इम्पैक्ट है, जबकि हम देख रहे हैं कि
फ्यूल्स जो हैं और ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम और गैस की जो जो है वो अगर सस्ते हो रहे हैं, और क्योंकि आगे शेल गैस का भी इशू है, और फिर 2030 और 2040 के बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन्स भी ख़त्म होने हैं, हाँ। तो सर ये जो अल्टरनेटिव एनर्जीज लाइक सोलर है, विंड है, वो उनकी रेट बहुत नीचे आ गए, दर नीचे आ गए। अब बात ये है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो ये चीज़ें यकीनन इसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से जो है वो असेस करते हैं, किस तरीके से जो है, मगर आजकल की दुनिया सर जी बहुत हो गई फास्ट, और आपको किसी चीज़ के बारे में अगर आप करते हैं एनालिसिस करते हैं तो वो एनालिसिस की जो डायमेंशंस हैं वो कवर करना बहुत बड़ी जो है ना वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई है। तो हम तो ये देखते हैं कि इस वक्त हम अगर चीनी के बहरान में हैं और गन्ने का जो है वो वीट का भी बहरान है जी, वीट का अलग बहरान पड़ा हुआ है, तो वो तो इंटरनेशनल नहीं हो पा रहा, वो तो 170 पे चला गया उसकी कीमत, चीनी 350 पे चली। अभी देखिए कॉटन की सूरत हाल देखिए ना, हमें वही 6,000-5,500 पे जो है वो कॉटन खड़ी हुई है, और TCP ने भी जो है वो कुछ कॉटन परचेज की है कि भाई किस तरीके से स्टेबल हो मार्केट, लेकिन मार्केट वही 2600-2700 फुट्टी जो है वो फी 40 किलोग्राम पे चली आ गई है। फिर बारिशें हुई तो उस वक्त जो थे वो टींडे तकरीबन तैयार हो चुके थे, और उन्होंने फुल कॉटन देनी थी, तो वो जून और जुलाई में जो बारिश हुई तो उसकी वजह से वो टींडे भी जो है उनको भी नुकसान हुआ, और हमारी जो ओवरऑल अभी जो हमारी मीटिंग हुई है असेसमेंट कमेटी की, तो वो देखें कि उन्होंने जो हमारी 14 मिलियन बेल से ऊपर की हम टारगेट रख के बैठे हुए थे तो 12.6 मिलियन बेल करना पड़ी है, तो तकरीबन 2 मिलियन बेल्स की जो है वो शॉर्टफॉल हम अभी ही देख रहे हैं कि इस वजह यही। अच्छा देखें इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें कम है, बड़ी उम्मीद लगाई थी कि 1.4 हो जाएगा, इस दफ़ा बड़ी फिर हो गया, लेकिन फिर अच्छा बड़ी उम्मीदें ये थी कि जी हम जो है वो अच्छा प्रोड्यूस करेंगे और जो है वो काश्तकार की सूरत हाल सही होगी, और हुकूमत ने कोशिश भी की, फर्टिलाइज़र में भी सब्सिडी दी, फर्टिलाइज़र को भी उन्होंने कम किया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको हम एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते, वो उसने और डिप दिया, शुगर में और डिप दिया, वीट में और डिप दिया, कॉटन में तकरीबन उसका जो है वो प्लस माइनस है, लेकिन हम संभल नहीं पा रहे। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जो है वो इस जगह पे है कि हम कॉटन में नुकसान में जा रहे हैं, हम वीट में नुकसान में जा रहे हैं, हम शुगर केन में अब नुकसान में जाएंगे, क्योंकि शुगर जो अब जो आएगी तो जो मिल है वो 140-150 रुपए मन से ज़्यादा गन्ना खरीद नहीं सकती, लेकिन आज भी डिमांड हमारी ये है, सारे पंजाब की डिमांड ये है कि 250 रुपए मन हो, और 140 और 250 जी, और ये तो बहुत बड़ा गैप है। अब मुझे बताएं, और फिर वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में मिले शुरू होनी है, क्योंकि केन एक्ट ये कहता है कि अक्टूबर 15 से मिले शुरू होनी है, जबकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 मिलियन टन जो है वो एक्सेस पड़ी हुई है शुगर, तो हमें जो है वो 2-2.5 मिलियन टन की जो है इजाज़त दी जाए। फिर इजाज़त भी दी गई कि 200,000 और 250,000 टन की इजाज़त की गई आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, हम आपको मजीद फिर तो सब्सिडी देंगे उस पे, मगर वो सब्सिडी नहीं दे पा रहे। नहीं तो सब्सिडी के लिए पैसे नहीं है, उसके बगैर हो नहीं सकता, उसके बगैर क्योंकि यहाँ तो कॉस्ट बहुत, यहाँ तो 65 में बिक रहा है चीनी, यहाँ पे 65 बिक रहा है और दुनिया भर में 35 का बिक रहा है। अच्छा अब मैं ये भी बात बता दूँ, लोग गन्ना नहीं देंगे, लोग गुड़ जाके बनाएंगे, वजह ये है कि जब डायबिटिक के लिए अच्छा होगा वो तो मैं आपको ओवरऑल, क्योंकि आपके यहाँ टाइम कम होता है, मजे की बात ये के लिए आपके पास आते हैं, टाइम खत्म हो गया सर, इंशाल्लाह फिर आपको बुला लेंगे। महबूब साहब से बात करने में हमेशा मज़ा आता है, पहले घंटे घंटे के शो में खूब बातें करते थे, आजकल ज़रा टाइट होता है। दरअसल अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी मनटांसो, क्या कहते सर उसका नाम, मनसंटो के बारे में, उसमें बताया गया कि डार्विन को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने पहली दफ़ा कहा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ जो क्रॉप्स हैं उससे बेहतरी होगी, और उसको मनसांटो ने स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने देखा कि तमाम चीज़ें जो ग्रेन हैं, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे वीट हो, राइस हो, हर चीज़ में हमने देखा कि बेहतरी आई और क्वालिटी अच्छी। उसके बाद मनसांटो आगे बढ़ा, उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाना शुरू किए, तो उसके वजह से कहते हैं कि पिछले 6 साल से पूरे दुनिया में हर चीज़ की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हुई, कोई बड़ा बुरा साल मौसम के लिहाज से नहीं आया, तो चाहे वीट हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे कॉर्न हो, उसकी बे इंतहा प्रोडक्शन हो गई है, शुगर की भी शायद हो गई है, और अब दुनिया एक ग्लट पे बैठी हुई है, और एक ये एक तरह से मसला भी है, क्योंकि जब ग्लट होगा तो कीमतें नीचे आएंगी तो बेचारा फार्मर बढ़ जाएगा। लेकिन आम कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर है, साइंस के लिए अच्छी खबर है,
इसी में एक रिपोर्ट ये भी थी कि क्यों मनसांटो जो है अब मज़ीद कॉर्न के लिए इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और उसमें डिटेल ये थी कि सिर्फ 70 दिन में कॉर्न को वो खड़ा कर देगा। और वो सिर्फ इसलिए वो बीज बनाई जा रही है कि कनाडा के जो नॉर्थ के जो इलाके हैं जो आर्टिक तक जाते हैं 120 किलोमीटर नियर आर्टिक, वहाँ तक वो सिर्फ 70 दिन में वो कॉर्न हो जाएगा। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में कॉर्न होगा और कॉर्न की कीमत कहाँ जाएगी, बड़ा मसला आ गया। बड़े सीरियस गुड एंड बैड डेवलपमेंट्स हो रही हैं एग्रीकल्चर में, उसमें पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा है आगे चल के। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।